हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद अपने मोबाइल में काशी का भव्य नजारा कैद किया। सीएम ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए कमेंट्री की। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देखा लेजर शो का शानदार नजारा। क्रूज से गंगा घाट पर लेजर शो की शानदार लाइटिंग से दशाश्वमेध घाट रोशनी से हुआ सराबोर। घाट से आसमान तक दिखा लेजर लाइटों का नजारा, मंत्रोच्चारण की भी गूंज। लेजर शो के दौरान सीएम योगी और पीएम मोदी एक साथ दिखे। लेजर लाइट शो के बाद गंगा घाट पर भव्य आतिशबाजी का भी दिखा नजारा। रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान भी हुआ रंगों की रोशनी से सराबोर। आतिशबाजी के दौरान हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे काशी के घाट, शिव दिवाली की धूम। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाते दिखे। सभी मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ एक ही फ्रेम में आए नजर। काशी के रंग बिरंगे घाटों के बैकग्राउंड मिली ऐतिहासिक तस्वीरें। अलकनंदा क्रूज में सवार प्रधानमंत्री मोदी ने देखी गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का देखा भव्य नजारा। लेजर लाइट शो का भी लिया नजारा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। गंगा आरती के लिए क्रूज पर सवार पीएम मोदी ने लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। माँ गंगा को किया नमन। जगमग काशी का ज्योतिर्मय नजारा हाथ जोड़कर निहारते दिखे पीएम। वाराणसी शहर में जले 2 लाख दिए। गांव और ब्लॉक में जले 4 लाख दीप। 5 लाख दियों से सजा काशी का घाट। दिन में लोकार्पण के बाद शाम में रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर नजर आया काशी विश्वनाथ धाम का भव्य नजारा। शाम में बाबा विश्वनाथ धाम में सप्तऋषि आरती की दिखी धूम। पीएम मोदी के साथ क्रूज पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देखा दिव्य गंगा आरती का भव्य नजारा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी साथ आए नजर। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देखा लेजर शो का शानदार नजारा। क्रूज से गंगा घाट पर लेजर शो की शानदार लाइटिंग से दशाश्वमेध घाट रोशनी से हुआ सराबोर। घाट से आसमान तक दिखा लेजर लाइटों का नजारा, मंत्रोच्चारण की भी गूंज। लेजर शो के दौरान सीएम योगी और पीएम मोदी एक साथ दिखे। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना। जांच के बाद सभी 14 लोग पर दर्ज मुकदमों की धाराएं बदली गईं। सभी आरोपियों पर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण की दी अनुमति। अदालत ने कहा सरकार का फैसला देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा अकाली दल और बसपा का गठबंधन पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने। मायावती का भाजपा सरकार और विरोधी पार्टियों पर निशाना। कहा ताबड़तोड़ घोषणाएं उद्घाटन और लोकार्पण से इनका जनाधार बढ़ने वाला नहीं। शिलान्यास व कच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। बसपा अध्यक्ष ने यूपी में दल बदल की राजनीति को लेकर भी बयान दिया। कहा दूसरी पार्टियों से निष्कासित निष्क्रिय और स्वार्थी लोगों को शामिल करने से कुछ नहीं होगा। निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है।